कई डेटा हमें ये बताते हैं कि ब्रह्मांड के अंधेरे युग में रोशनियों की बमबारी हुई थी। ये वो वक्त था जब सितारों का जन्म होना बाकी था। गैलेक्सीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि अब ये तस्वीर काफी बदल रही है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग से हुई वो पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय बर्ताव कर रहा है। हमने अब शुरुआती ब्रह्मांड में ऐसी गैलेक्सीज की पहचान की है जो वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर रही है, और इसके लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का शुक्रिया जो अपने इंफ्रारेड खोज के कौशल के साथ इस पूरे खेल को ही बदल रहा है। टॉप थियोरिटिकल फिजिसिस्ट में से एक ऐसे हैं जो उस पहले को समझा रही हैं जिसमें अभी हमने खुद को पाया है। Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy like the Milky Way galaxy with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified six galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. सिर्फ मिस्टर काको ही नहीं बल्कि फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर नील डीग्रास टाइसन भी इससे स्तब्ध है। All right. So now, let's tune the telescope in to galaxies being born. And oh my gosh, who ordered this? We're finding galaxies in the dark ages. और अब वेब ने अपने अभूतपूर्व काबिलियत के साथ बिग बैंग के किनारे गैलेक्सी मर्जर को देखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के बड़े विस्तार में हमारी अपनी मिल्की वे जैसी बड़ी और बेहद इंस्पायरिंग गैलेक्सीज पहली गैलेक्सीज के कॉस्मिक एनकाउंटर की वजह से बनी है। अंतरिक्ष के अंधेरे के माध्यम से बहने वाली ये प्राचीन संरचनाएं सिर्फ धब्बे तारों के छोटे समूह थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का शुक्रिया जिसने ब्रह्मांड की दो शुरुआती गैलेक्सीज की झलक हमें दिखाई, जिसमें से हर एक बस कुछ सौ प्रकाश वर्ष भर और बिग बैंग के करीब 430 मिलियन साल बाद की है। इन शिशु गैलेक्सीज को एक इंटरस्टेलर डांस के दौरान पकड़ा गया था। हो सकता है शायद तब जब ये एक नई बड़ी गैलेक्सी में विलय यानी मर्ज होने की कगार पर थे। ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास के दौरान गैलेक्सीज के विकास के राज को खोलने की काबिलियत इस खोज में है जो हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स के चमत्कारों और राजों को उगल सकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। MACS-0647-JD या MACS-JD ये बहुत दूर की ऐसी चीज है जिसे पहली बार 10 साल पहले ऑब्जर्व किया गया था। उस वक्त इसे तब की ऑब्जर्व की गई सबसे दूर की गैलेक्सी मानी गई, और ये अब भी शुरुआती चीजों में से एक ऐसी चीज है जिसकी JWST की मदद से हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो वक्त की शुरुआत से ही गैलेक्सीज काफी धुंधली और बहुत दूर है जिसे देखना आसान नहीं। हम MACS-JD को देख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े गैलेक्सी समूह द्वारा इसके लाइट को 3 गुना लेंस मैग्निफाइड और टेढ़ा मेढ़ा कर बिगाड़ा गया है। दरअसल क्लस्टर स्पेस टाइम को मोड़ देता है जिससे एक ही सिस्टम की लाइट 3 इमेजेस में विभाजित हो जाती है। ये इमेजेस 8, 5 और 2 के फैक्टर्स द्वारा मैग्निफाइड किया जाता है, इसीलिए वे समान दूरी की दूसरी गैलेक्सीज के मुकाबले ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। यहाँ ट्विस्ट ये है कि जिसे कभी एक ही चीज के रूप में देखा जाता था अब वो दो बेबी गैलेक्सीज की तरह दिखती है जिनको ए और बी के रूप में लेबल किया गया है। ए हाल ही में बने तारे के फॉर्मेशन के साथ चमकीली और बड़ी है जिसमें कोई धूल नहीं, जबकि बी थोड़ी धूल के साथ पुरानी दिखती है।
अलग अलग तारे के इनके फॉर्मेशन का इतिहास ये सुझाव देते हैं कि वे अलग अलग बने हैं, ये सिर्फ अभी साथ आ रहे हैं। हालांकि दूसरे साइंटिस्ट इस सोच से इत्तफाक नहीं रखते, बल्कि वे सुझाव देते हैं कि जब इनका मर्जर मुमकिन हो सकता है तो ये भी संभव है कि एक गैलेक्सी दूसरे का उपग्रह यानी सैटेलाइट हो। वैकल्पिक रूप से दो कंपोनेंट्स एक ही गैलेक्सी का हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल और डिटेल्स का इंतजार है। और अब जब हम इस पर बात कर ही रहे हैं तो चलिए लगे हाथों ये भी देख लेते हैं कि वेब ऐसा क्या कैप्चर कर रहा है जिसने ब्रह्मांड को ऐसे अनफोल्ड किया जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। जी हाँ, वेब ने 6 ऐसे गैलेक्सीज को ढूंढ निकाला है जो बिग बैंग के 500 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आए। इतना ही नहीं, ये सभी गैलेक्सीज अच्छी तरह से बनकर तैयार है, जिसमें हमारी मिल्की वे जैसी अभी की गैलेक्सीज के मुकाबले ज्यादा तारे मौजूद है। वैसे इन गैलेक्सीज का वजूद ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब ये हमारे कॉस्मोलॉजी के मॉडल के साथ खिलवाड़ करती दिख रही है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के लिए ये मामला तब और भी ज्यादा पेचीदा हो गया जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया कि इनमें से एक गैलेक्सी इतनी ज्यादा अजीब है कि हमें चीजों को ठीक से समझने के लिए ब्रह्मांड में पीछे जाकर उसकी स्टडी करने की जरूरत है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी के मुताबिक बेहद गर्म और घने पॉइंट पर बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, जब ब्रह्मांड उम्र में 1 सेकंड के ट्रिलियन वे के 1 अरबवे हिस्से का सिर्फ 100वां हिस्सा था। तब इसने विस्तार के यकीन ना होने वाले एक ऐसे विस्फोट का अनुभव किया जिसे इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्पेस खुद लाइट की स्पीड से तेजी से फैलता है। इस दौरान ब्रह्मांड आकार में कम से कम 90 गुना डबल हो गया, यानी मानो जैसे सब एटॉमिक साइज से गोल्फ बॉल के आकार में वो जा रहा था। इसके बाद ब्रह्मांड का विकास जारी तो रहा, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी हो गई। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार होता गया, ब्रह्मांड ठंड होते गया और चीजें बनने लगी। बिग बैंग बनने के सिर्फ 1 सेकंड बाद ही ब्रह्मांड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रिनो से भर गया। लेकिन पहले के 3,80,000 सालों तक ब्रह्मांड इतना गर्म था कि उसमें लाइट की चमक को देखना मुश्किल था। 3,80,000 साल बाद पदार्थ ठंडे होने शुरू हुए और फिर एटॉम्स बनाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा ठंडे हो गए। हालांकि इस पॉइंट के बाद ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। वो इसलिए क्योंकि इस समय तक तारा या कोई भी चमकीली चीज का तैयार होना शुरू ही नहीं हुआ था। हम देख सकते हैं कि बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद ब्रह्मांड अपने अंधेरे दौर से बाहर आना शुरू हुआ। ब्रह्मांड के विकास में इस पीरियड को रीआयनाइजेशन का दौर कहा जाता है। इस फेज के दौरान जो 500 मिलियन साल से ज्यादा वक्त तक चला, तभी पहले तारे दिखने शुरू हुए। ऐसे में वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि गैलेक्सीज बिग बैंग के बाद शुरू के अरबों सालों में बनना शुरू किया, जो फिर 1 से 2 अरब सालों में किशोरा अवस्था तक पहुंचे। हालांकि जेम्स वेब ने ऐसी एक नहीं बल्कि 6 गैलेक्सीज का पता लगाया जो बिग बैंग के 500 मिलियन साल बाद पूरी तरह से बनकर तैयार हुए, और वही सबसे बड़ी परेशानी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अपनी तरह के पहले ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज की अगुवाई वाली टीम ने एक अनोखी छोटी गैलेक्सी की खोज के लिए 13 अरब से ज्यादा सालों के अतीत में जाकर स्टडी की, जिसने नए तारों को बनाया, वो भी इसके आकार के एकदम हाई रेट पर। इस दूरी पर अब तक खोजी गई सबसे छोटी गैलेक्सीज में से ये एक गैलेक्सी है, और एस्ट्रोनॉमर्स को उन गैलेक्सीज के बारे में ज्यादा जानने में मदद कर सकती है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के कुछ ही समय बाद सामने आई थी। गैलेक्सी का वॉल्यूम मिल्की वे के वॉल्यूम का लगभग 1,00,000वां हिस्सा है।
लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, ये अभी भी हर साल उतनी ही संख्या में तारे बना रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे समझाते हुए कहा, जब ब्रह्मांड अपने बचपन में था, तब जिन गैलेक्सीज ने अपना वजूद बनाया था, वे अब पहले के मुकाबले काफी अलग है। अब ऐसे में इन गैलेक्सीज की स्टडी करने से हमें ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड के अंधेरे दौर में ये पहले तारे और गैलेक्सीज कैसे और कब बने। तब तक ये एक राज ही बना रहेगा कि ब्रह्मांड वजूद में कैसे आया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, JWST के ऑब्जर्वेशंस के नतीजे हमें ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड को लेकर हमारी अब तक की जो सोच रही, ये उससे कहीं ज्यादा अलग था। आपको क्या लगता है? क्या हम एक बड़े संशोधन की तरफ देख रहे हैं या फिर बिग बैंग सेफ है? आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।